सोने और चांदी की लिपस्टिक। दूर किसी गांव में वंदना और कावेरी नाम की दो बहनें रहती थी। बचपन में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। माता पिता के गुजर जाने के बाद कुछ सालों तक चाचा चाची ने उन्हें अपने घर में पनाह दी, लेकिन उनके चाचा जी को दो बेटियों को एक साथ पालना बिल्कुल मंजूर नहीं था। वो दोनों अभी बालिक भी नहीं हुई थी कि उनके चाचा और चाची उनकी शादी के पीछे पड़ गए। मैंने तो पहले ही कहा था इन दोनों को अनाथ आश्रम में छोड़ दो, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। कुछ ही दिनों बाद ये दोनों कलमों ही शादी करने लायक हो जाएंगी, तब कहाँ से कर पाओगे आप दोनों की शादी। माँ बाप तो मर गए, लेकिन अपने बच्चों को सांप की तरह हमारी जिंदगी में छोड़कर। उसका भी इलाज है मेरे पास। तुम्हें याद है ढोलकपुर गांव में दो भाई रहते हैं। दोनों की पहली पत्नी मर चुकी है और दोनों भाइयों से ही इन दोनों बहनों की शादी करवा देते हैं। बहुत धन दौलत वाले लोग हैं, दहेज भी नहीं मांगेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। जल्दी से इनकी शादी की बात चलाइए। कावेरी चुपचाप अपने चाचा और चाची की बात सुन रही थी। जब उसे पता चलता है कि उन दो बहनों की शादी उनके दुगने उम्र नहीं बल्कि बुजुर्ग आदमियों से करवाने की तैयारी चल रही थी, उसे खतरे और मुसीबत का संकेत मिलता है और वह अपने बहन को लेकर रातों रात घर से भाग गई और दूर किसी गांव में जाकर रहने लगी। वहां दोनों बहनें लोगों के खेतों में खेती किया करते थे और अपना गुजारा करते थे। अच्छा हुआ दीदी जो उस दिन आपने मेरे साथ घर छोड़ दिया था, वरना तो शादी के बाद वो दोनों बुढ़े कब के टपक जाते। वरना मैं ही उन्हें चाय में जहर देकर मार देती। चलो जो हुआ अच्छे के लिए होता है, हम दोनों अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत खुश हैं। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन गांव में जल्दी ही श्रवण माह आने वाला था। साहब इस बार थोड़ा ज्यादा पैसा दे देना, क्योंकि सावन का महीना आने वाला है और सावन में तो खेती हो नहीं पाएगी। आप थोड़ा ज्यादा पैसा दे दोगे तो सावन का महीना भी अच्छे से गुजर जाएगा। वैसे भी हम दोनों बहनों का खर्च ही कितना होता है। वाह, ज्यादा पैसे दे दूंगा तो मुझे उन पैसों के बदले काम कब मिलेगा? नहीं नहीं मालिक, मैं और छोटी मिलकर थोड़ा सा ही ज्यादा काम कर लेंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिए। ठीक है, अगर मुझे पूरा काम मिला तो ज्यादा पैसे भी ले लेना। कावेरी और वंदना ने पूरे महीने का खर्च बांध रखा था, लेकिन इस बार सावन का महीना समय से पहले दस्तक दे गया। इसकी वजह से खेतों में काम बंद हो गया और ना ही कावेरी और वंदना अधिक काम कर पाए और ना ही अधिक पैसे कमा पाए। देखो ना दीदी, इस बार तो हमें हर बार की तरह पैसे नहीं मिले। जब तक बरसात हो रही है तब तक का खर्च कैसे निकलेगा? बरसात में छत टपक रही है, लगता है पूरी बरसात ऐसे ही गुजारनी होगी। समझ नहीं आता थोड़े से पैसों में घर का छप्पर ठीक करवाऊं या फिर राशन। राशन में केवल जरूरी सामान ही लेकर आना दीदी, पर अब पूरे बरसात टपकते हुए छप्पर के नीचे नहीं रह सकते। तू सही कहती है छोटी, कल ही राम बाबू काका को बुलवा कर छप्पर ठीक करवा लेती हूँ। अगले दिन कावेरी अपने घर का छप्पर ठीक करवाती है और घर का जरूरी सामान भी खरीद कर ले आती है। लगता है सारे पैसे तो इन्हीं सब में खर्च हो गए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन गांव में बरसात किसी तूफान की तरह विराजमान थी। अब कावेरी और वंदना के घर का राशन भी खत्म हो चुका था। पिछले कुछ दिनों से वह दोनों ही भूसे की रोटी और धनिया की चटनी ही खा रहे थे। अगर हमें बचपन में ही पढ़ाई लिखाई की होती तो आज हमें खेती नहीं करनी पड़ रही होती। यह कैसी बात कर रही हो छोटी, माँ पिताजी के जाने के बाद दो वक्त का खाना मिल जाता था, वही बहुत बड़ी बात थी। चाचा और चाची ने हमें कभी भी अपने बच्चे नहीं समझे।
लेकिन दीदी कब तक हमें भूसे की रोटी खानी होगी? अब तो मेरे पेट में भी दर्द होने लगा है। उस समय कावेरी को लगा कि वंदना केवल मजाक कर रही थी, इसीलिए वह वंदना की बात पर ध्यान नहीं देती। लेकिन थोड़ी देर बाद में वंदना जोर से चिल्लाती हुई जमीन पर पेट पकड़कर गिर जाती है। मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है दीदी, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अपनी बहन की हालत देखकर कावेरी बहुत घबरा जाती है। फौरन गर्म पानी लाकर वंदना को पिलाती है, लेकिन इससे भी उसके पेट दर्द पर कोई असर नहीं हो रहा था। छोटी, तू बस थोड़ा इंतजार कर, मैं अभी वैद्य जी के पास से दवाई लेकर आती हूँ। वंदना अच्छे से जानती थी कि घर में एक रुपया भी नहीं है, इसीलिए वह अपनी बहन को जाने से रोक देती है। पागल हो गई हो दीदी, इतने बरसात में कहाँ जाओगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कावेरी अच्छे से जानती थी कि उसकी बहन झूठ बोल रही है, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। कावेरी मन में अपनी माँ और पापा को बहुत याद कर रही थी। काश आज मम्मी पापा होते तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही है माँ बाबा। कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। इतनी बारिश में भला कौन हो सकता है, यह सोचकर कावेरी दरवाजा खोलती है। वह देखती है एक बूढ़ी अम्मा दरवाजे पर खड़ी है। आप इतनी बारिश में बाहर क्या कर रही हो? जल्दी घर में आ जाओ वरना भीग जाओगी। मेरा तो कोई घर ही नहीं है बेटी, आप जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, लेकिन मैं आपको खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं दे पाऊंगी। उसके बाद कावेरी अम्मा के लिए भी भूसे की रोटी, धनिये की चटनी लेकर आती है। वह खाना देखकर अम्मा कहती है, यह तो मुझे 56 भोग के समान लग रहा है बेटी। और वह बूढ़ी अम्मा फौरन भूसे की रोटी और चटनी खा लेती है। खाना खाने के बाद फिर से वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है। अम्मा इतनी बारिश में कहाँ जाओगी? मेरी चिंता मत करो बेटी, ये लो सोने और चांदी की लिपस्टिक। सोने के सामने बोलकर तुम बड़े से बड़े कष्ट दूर कर सकती हो, और चांदी की लिपस्टिक के सामने बोलकर तुम ढेर सारे पैसे भी प्राप्त कर सकती हो। उसके बाद कावेरी दोनों लिपस्टिक को अपने हाथों में लेकर देखने लगती है कि इतने में ही बूढ़ी अम्मा सबकी आंखों से ओझल हो जाती है। अम्मा कहाँ गई दीदी? लगता है वह ऊपर वाले का कोई फरिश्ता थी जो हमारी मदद करने आई थी। इतना बोलकर कावेरी सोने की लिपस्टिक के सामने अपने बहन के ठीक होने की प्रार्थना करती है, और कुछ ही पलों में वंदना के पेट का दर्द बिल्कुल गायब हो जाता है। यह तो सच में कमाल हो गया, मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया। यह तो सच में सोने और चांदी की जादुई लिपस्टिक है, जरा लाओ इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद में वंदना चांदी की लिपस्टिक के सामने बहुत सारे पैसे मांगती है, और उसके सामने बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। अपनी आंखों के सामने ये सब चमत्कार होते देख दोनों बहनों को यकीन नहीं हो रहा था। उन सारे पैसों से दोनों बहनें अपने लिए एक बहुत आलीशान घर खरीदते हैं, और गरीबों को काम देने के लिए एक कारखाने का उद्घाटन भी करती हैं। जब उनके चाचा और चाची को ये बात पता चलती है, सुन रहे हैं ना आप, वो दोनों नागिन अब बड़ी हो चुकी हैं और काफी अमीर भी। सुना है उनके पास जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक है, तो क्या कहती हो? रात हो जाने के बाद चाचा और चाची कावेरी और वंदना के घर पहुंचते हैं, और रात के अंधेरे में चोरी छुपे उनके घर में घुसकर जादुई लिपस्टिक चुरा लेते हैं। वह लिपस्टिक अपने हाथ में लेकर चाची, अब मैं भी बहुत अमीर हो जाऊंगी। आसपास के सभी गांव में मैं राज करूंगी, राज। पर तभी दोनों को बहुत जोर का झटका लगता है। वह दोनों तेजी से चिल्लाते हैं, और आवाज सुनकर वंदना और कावेरी की नींद खुल जाती है। देख रही हो दीदी, इन्हें इनके कर्मों का फल मिल गया।
हाँ, जैसे को तैसा।